वेलकम टू माई चैनल इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू दिस आई शेडो लुक बहुत ही सिंपल तरीके से एंड बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं इस लुक को क्रिएट की हूँ सो so, अगर आपको जानना है देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो सो सबसे पहले यहाँ पे पैलेट के लिए मैं यूज़ की हूँ हुडा ब्यूटी का मरकरी रेट्रोग्रेड पैलेट और इसमें से जो शिमरी शेड है गोल्डनी काइंड ऑफ उसको सबसे पहले मैं लीड पे अप्लाई की हूँ सो so, यहाँ पे आप चाहो तो फिंगर के साथ भी अप्लाई कर सकते हो उससे भी आपको बहुत अच्छा पिगमेंटेशन मिलेगा इसके बाद जो हॉट मेस शेड है उसको लेके मैं आउटर व्ही पे अप्लाई करूँ विथ ए स्मॉलर ब्लेंडिंग ब्रश और इसको मैं जो प्रीवियस शिमरी शेड है उसके साथ थोड़ा सा मिक्स करते हुए अप्लाई करी आउटर व्ही पे धीरे धीरे मैं इसको इंटेंसिफाई करूंगी एंड ऑल्सो क्रीज पे भी लेके जाऊंगी ब्लेंड करते हुए सो बैक एंड फोर्थ कलर को लेके मैं काफ़ी अच्छे से इंटेंसिफाई करूंगी इसको इसके बाद एक डार्कर शेड ले लूंगी जो कि थोड़ा सा डेप्थ प्रोवाइड करेगा हम लोग के आई मेकअप में जिसको मैं अप्लाई कर रही करूँ आउटर वी पे और एक स्मॉलर ब्रश के साथ मैं फ्लड ब्रश के साथ इसको प्लेस कर करूँ सो आउटर वी पे कलर को प्लेस कर करूँ एंड लैस लाइन के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी जस्ट थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देगा ये आउटर वी पे अगेन मैं जो प्रीवियस शेड अप्लाई की थी उसको फिर से लेके थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी विंग आईलाइनर जिसके लिए मैं यूज़ की हुडा ब्यूटी का आईलाइनर पेन जो कि मुझे बहुत पसंद है एंड दिस इज़ आ रियली वेरी गुड प्रोडक्ट बहुत ही थिन टिप के साथ ये आता है फेल टिप आईलाइनर पेन सो इसके साथ मैं एक विंग आईलाइनर क्रिएट कर लूँगी सो इस प्रोडक्ट को आप ट्राई कर सकते हो बहुत अच्छा है और अफोर्डेबल साइड में अगर आपको ट्राई करना है देन यू कैन ट्राई स्विस ब्यूटी का आईलाइनर पेन वो भी बहुत अच्छा आईलाइनर पेन है इसके बाद काजल अप्लाई करूँगी ब्लैक कलर का जिसके लिए मैं प्लम का काजल अप्लाई करूँ लोअर वाटर लाइन पे सो so, आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा कलरफुल आई भी अप्लाई कर सकते हो काजल लाइनर और उसके बाद मैं इनर कॉर्नर को पॉइंटेड क्रिएट की हूँ दैट सेम आई लाइनर पेन लोअर लश लाइन पे मैं मोवी पिंक जो पर्पली शेड है उसको अप्लाई करूँ मोव शेड बेसिकली दिस इज उसको मैं लोअर लेफ्ट लाइन के क्लोज क्लोज अप्लाई कर रही करी एंड उसके बाद थोड़ा सा और डेप्थ प्रोवाइड करने के लिए वो डाका शेड को भी मैं एकदम लेफ्ट लाइन के क्लोज क्लोज अप्लाई की हूँ इसके बाद हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ फॉर दैट आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर दिस इज़ ए नाइस हाईलाइटर इन द शेड प्रीशियस पेटल इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन पर अप्लाई की हूँ मस्कारा के लिए यहाँ पे मैं कलर वार का जूम एंड बूश मस्कारा अप्लाई करूँ इसमें आपको दो बॉन्ड मिलता है फॉर वॉल्यूम एंड वन फॉर लेंथनिंग सो वॉल्यूम वाला वॉन्ड लेके मैं अपने लैशेस को कोट कर लूँगी काफ़ी बार एंड इसके बाद थोड़ा सा ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्लैम के लिए थोड़ा सा और स्पार्कली इफेक्ट के लिए जहाँ पे भी जो गोल्डन शीमा शेड अप्लाई की थी उसके ऊपर से थोड़ा सा एंड दिस इज़ द फाइनल फिनिश लुक लेट मी नो आपको ये वे ऑफ आई शेडो अप्लीकेशन कैसा लगा सो so, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू